एंड स्वाति कैसा फील होता है आपके फैमिली मेंबर्स को जब उनको ये लगता है कि हाँ आप ऑनलाइन अर्निंग कर पा रहे हो एज अ हाउस वाइफ, वो भी घर बैठे बैठे? तो पर्सनल ब्रांड इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है कि यू नेवर नो कि अपॉर्चुनिटी कब आपको आपके पास आए. एंड मुझे ऐसा लगता है जितने भी हाउस वाइफ है जो ये वीडियो देख रही है उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन हो स्वाति जी, बिकॉज ये सारी चीजें मैनेज करना इतनी चैलेंजिंग है बट फिर भी आप इतने अच्छे वे में कर पा रहे हो. लोग है ना मतलब मनी माइंड से आते हैं तो उनको है ना क्विक रिजल्ट चाहिए होता है, तो फर्स्ट स्टेप उनका वही गलती होती है कि वो लोग ट्रेनिंग नहीं देखते. अभी तक डिजिटल मार्केटिंग से आपने कितनी अर्निंग कर ली है अगर आप लोगों को बताना चाहो ताकि लोग इंस्पायर हो एंड वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर सके? ऑलमोस्ट 3 लाख. तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप में टैलेंट है तो आप उसको वेस्ट मत कीजिए. मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इंस्टाग्राम का अकाउंट भी पता नहीं था. सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस शो में जिसका नाम है द अक्षय ढोने शो. एंड मैं आ चुका हूँ एक नए गेस्ट के साथ. आज जो हमारी गेस्ट है ना वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट है. उनका नाम है स्वाति चूरी जो कि मुंबई से है एंड वो एक डिजिटल मार्केटर है जो लोगों को हेल्प करती है कि किस तरह से सोशल मीडिया का यूज करके हम किस तरह से ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं. सो स्वाति वेलकम टू द अक्षय ढोने शो. थैंक यू अक्षय, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. सो स्वाति लाइक मैंने तो आपके बारे में बहुत छोटा इंट्रोडक्शन दिया है बट मेरी ऑडियंस जानना चाहती है हु एग्जैक्टली स्वाति एंड व्हाट डज शी रियली डू. सो यू कैन गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ. यस यस श्योर अक्षय. मायसेल्फ स्वाति चूरी, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ. मैं एक्चुअली मैं हाउसवाइफ हूँ. अभी हाउसवाइफ इज कन्वर्टेड इनटू अ बिजनेस वुमन. ओके सो मैं पहले आईटी फील्ड में थी, जॉब करती थी, लेकिन बीच में बिकॉज ऑफ माय सन्स एजुकेशन मैंने ब्रेक ले लिया. तो उसके एजुकेशन के बाद मुझे ऐसे लगा कि मुझे फ्री टाइम मिल रहा है सो व्हाई नॉट आई शुड डू समथिंग. तो मैंने फिर ऐसे ही सर्च करते करते मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और वो मैंने स्टार्ट की. सो आज मैं यहाँ पे हूँ. वाओ, लाइक आपने कहा स्वाति कि आप हाउसवाइफ हो राइट? Yes. तो घर के काम के साथ साथ आप अपना बिजनेस भी जो है मैनेज कर पा रहे हो. बहुत कम बार ऐसा होता है हमें देखने मिलता है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है जो कि मैंने सुना है स्वाति कि जो नॉर्मली हाउसवाइफ होती है शादी करने के बाद उनके जो भी ड्रीम्स होते हैं उन्हें फुलफिल करने नहीं दिया जाता, जो कि हार्मफुल एक्टिविटीज होती है सिर्फ वही उन्हें करना पड़ता है. बट आपने एक ड्रीम को क्या बोलते हैं, आपने एक ड्रीम देखा एंड आप उस पर काम कर रहे हो एंड वो अच्छे से आप कर भी रहे हो. तो आपने ये जर्नी जो है अपनी ऑनलाइन की कौन से ईयर में स्टार्ट की एंड आपका उसके पीछे का व्हाई क्या था कि क्यों ऑनलाइन ही क्यों ऑफलाइन क्यों नहीं? क्या हुआ अक्षय, एक्चुअली बिफोर 1 ईयर मतलब कोरोना के बाद मैं ऐसे ही सर्च कर रही थी. आपको पता है कि फ्री टाइम में हम लोग जनरली क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे टाइम पास. बट तो फेसबुक पे मैं ऐसे ही सर्च कर रही थी, मुझे एक पोस्ट मिली तो वहां पे लिखा था कि ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी. तो मैंने उन बंदे को कॉन्टेक्ट किया और फिर मैंने उनसे इंफॉर्मेशन ली. तो ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म था. ओके तो मैंने पूरा इंक्वायरी किया तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि पहले मुझे मतलब मन में आया कि अरे ये ऑनलाइन है तो कुछ फ्रॉड तो नहीं है. तो मैंने थोड़ा टाइम लिया सोचने के लिए, फिर घर पे भी डिस्कस किया हस्बैंड के साथ. फिर उन्होंने बोला कि आप देख लो क्या करना है और क्या नहीं, वो आपका डिसीजन है. तो फिर मैंने ये सोचा अक्षय कि अगर वहां पे अपॉर्चुनिटी अर्निंग का भी था और लर्निंग का भी था, बोथ था, बोथ वेज था. सो वॉट आई हैड डिसाइडेड कि अगर मेरा अर्निंग नहीं होगा तो इट्स ओके बट आई विल लर्न समथिंग न्यू. तो फिर मैंने वो ट्राई किया और मैंने फिर स्टार्ट किया वो जर्नी. वाओ, एंड ये कौन से ईयर की बात है, 2020 या फिर 21? नहीं नहीं, रिसेंटली 1 ईयर ही हुआ मुझे. ओके, मतलब 2021 में स्वाति हाँ. जी आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एंड एक साल में आपने इतना ग्रोथ हासिल किया है. मुझे ना आपका एक पॉइंट बहुत सही लगा स्वाति जी, जो आपने कहा ना कि लाइक लर्निंग वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. देखो लोगों का कैसा होता है ना, सोशल मीडिया पे अगर वो किसी को देखते हैं कि हाँ यार इतना पैसा बना रहे, इतना पैसा बना रहे, तो वो उस माइंडसेट के साथ आते हैं कि हाँ मुझे भी अर्निंग करने मिलेगा. एंड जब वो प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते कोई ई लर्निंग का एंड अगर उनको 1-2 हफ्ते में अर्निंग नहीं होती स्वाति जी, तो आपको पता है कि वो लोग गिव अप कर देते हैं एंड छोड़ देते हैं प्लेटफॉर्म, बिकॉज उनका माइंडसेट जो होता है ना वो मनी माइंडसेट के साथ आते हैं. बट आपने कहा कि आप लर्निंग माइंडसेट के साथ आए थे एंड आपने अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट किया एंड डेफिनेटली रिजल्ट अभी जो है आपके सामने है कि लाइक आपका अभी रिजल्ट आ रहा है राइट. बट आई नो जितने आसानी से आपने बताया स्वाति उतना आसान आपके लिए रहा नहीं होगा. सबसे पहले आपने जैसे ही कहा कि ऑनलाइन बहुत सारे लोग लगता है कि हाँ यार फ्रॉड होगा तो पैसे नहीं मिलते,
तो ये तो क्या क्या चैलेंजेस आए स्वाति जब आपने सोचा कि मुझे ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट करना? अक्षय जब मैंने स्टार्ट किया ना तो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट फोकस मैंने वो काम पे किया, फर्स्ट लर्निंग पे किया, मैंने वो कंसेप्ट समझ के लिया कि क्या है एग्जैक्टली, प्रोसेस क्या है उसकी, क्या रूल्स है, मतलब क्या सिस्टम्स वर्क होता है. सो मैंने क्या किया, फर्स्ट फोकस किया कि मुझे पहले लर्न करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बिना लर्निंग के जाती थी तो थोड़ा सक्सेस मिलता था लेकिन मैं आगे जाके फिर अनसक्सेसफुल होती थी. तो मैंने ना फर्स्ट ये ऑब्जर्व किया कि उनका प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, क्या फोकस करना चाहिए, क्या मुझे डेवलप करना चाहिए मेरे स्किल्स. तो वो सब मैंने वो पहले देखा, उसको ऑब्जर्व किया और फिर मैंने अर्निंग पे फोकस किया. तो मतलब जो सिस्टम था ना वो मैंने पहले ऑब्जर्व किया, मैंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड करने स्टार्ट किए और फिर धीरे धीरे मैंने वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया. हर्डल्स तो बहुत आए अक्षय, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़े से लगा कि अरे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये मैं यहाँ पे स्टक हो रही हूँ, मतलब मैं आगे नहीं जा पा रही हूँ. तो फिर मैंने क्या किया कि जो टॉप अचीवर्स थे, जो सक्सेसफुल लोग थे, उनका जर्नी मैंने देखा कि वो लोग क्या फॉलो करें, उनकी सिस्टम क्या है काम करने की. तो वो मैंने स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन किया, मतलब मेरे एक नोटबुक भी है खास उसके लिए, मैंने वो पॉइंट्स नोट डाउन किए, ट्रेनिंग अटेंड करना स्टार्ट किया और फिर स्टेप बाय स्टेप मैंने फॉलो किया. वाओ दैट्स रियली ग्रेट, एंड रिजल्ट अभी आपके सामने है. आपने लर्निंग पे फोकस किया, लर्निंग माइंडसेट के साथ आप गए, एंड जो जो सक्सेस स्टोरीज थी, जो बड़े लोग अर्न कर पा रहे थे, आपने उनसे सीख के इम्प्लीमेंट किया, राइट? लोगों का ऐसा होता है ना स्वाति जी, मैंने खुद देखा है, लर्निंग कर लेते हैं, मतलब अगर कोई ट्रेनिंग है 7 दिन की तो ट्रेनिंग पूरा देख लेंगे बट इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करेंगे एंड उनको रिजल्ट, राइट? सो जितने भी लोग ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूंगा कि आप लर्निंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन पे भी फोकस करो. मनी माइंडसेट के साथ आओगे डेफिनेटली आपका कुछ भी नहीं होने वाला है. एंड स्वाति कैसा फील होता है आपके फैमिली मेंबर्स को जब उनको ये लगता है कि हाँ आप ऑनलाइन अर्निंग कर पा रहे हो एज अ हाउसवाइफ, वो भी घर बैठे बैठे? सो व्हाट इज देयर रिएक्शन, योर हबी, देन आपके फैमिली मेंबर्स, उनका? एक्चुअली वो खुश है क्योंकि उन लोग को ये भी, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना वो एक बहुत ही पॉजिटिव था, मतलब हम लोग का माइंड सेट ही पूरा चेंज होता है, हम लोग का थिंकिंग प्रोसेस चेंज होता है, मतलब हम लोग का जो लाइफ है अपना उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं. तो क्या होता है ना अक्षय, जब हम लोग कुछ एक हासिल करते हैं ना मुकाम, तो एक थोड़ा पॉजिटिव मतलब माइंड पॉजिटिव हो जाता है. तो बाय डिफॉल्ट वो हम लोग के डेली रूटीन लाइफ में भी उसके इम्पैक्ट होते हैं. तो मतलब ओवरऑल सब खुश है, इवन इंक्लूडिंग मी आल्सो. दैट्स रियली ग्रेट. एंड कैसा होता है जब हम सोशल मीडिया पे होते हो तभी हमें कंटेंट के थ्रू ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, जबकि ऑफलाइन बिजनेस में ऐसा नहीं होता. ऑफलाइन बिजनेस में होता है आपकी दुकान होती है, दुकान में फिर आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, कस्टमर आता है, देन प्रोडक्ट्स देखता है, देन उसके बाद लेता है. पर सोशल मीडिया पे कैसा होता है, आपका कंटेंट ही आपका प्रोडक्ट है. लोग आएंगे, आपका फोटो देखेंगे, आपका प्रोफाइल पिक्चर देखेंगे, बायो देखेंगे, कॉन्टेंट देखेंगे, एंड तो ही वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, एंड वही से आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होता है, राइट? बट आपको क्या लगता है स्वाति, आपके हिसाब से ये क्या जरूरी है पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना सोशल मीडिया पे, या फिर बिना ब्रांड बिल्ड किए भी हम अर्निंग कर सकते हैं, कैसा है? नहीं अक्षय, क्या होता है पता है, हम लोग अर्निंग करते हैं लेकिन अगर आप अपना खुद का पर्सनल ब्रांड अगर क्रिएट करते हो, खुद का एक एंटिटी क्रिएट करते हो, तो वो थोड़ा इम्पैक्ट अलग रहता है. मतलब क्या होता है ना कि हम लोग को अपॉर्चुनिटी हम लोग खुद क्रिएट करते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्सनल ब्रांड. ओके, लोगों को हम लोग कुछ देते हैं कंटेंट के थ्रू. हम लोग जब रील्स बनाते हैं या पोस्ट बनाते हैं, अगर लोगों को हम लोग का जो कंटेंट अच्छा लगता है तो लोग हम लोग को फॉलो करने लगते हैं, लोग हम लोग को ऑब्जर्व करते हैं. तो उससे क्या होता है ना कि एक कम्युनिटी बिल्ड होती है. ओके, तो पर्सनल ब्रांड इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि यू नेवर नो कि अपॉर्चुनिटी कब आपको आपके पास आए. ओके, अगर इन जनरल सिर्फ आप अर्निंग पे फोकस करोगे तो वो मतलब वो टेम्पररी रहता है, लेकिन अगर आप अपना खुद का पर्सनल ब्रांड क्रिएट करते हो तो इट बेनिफिट्स यू इन योर फ्यूचर. ओके, तो वो अच्छा रहता है अक्षय. राइट, एंड आपने एक चीज बोली थी थोड़े टाइम पहले कि लाइक अगर आप जो है अलग माइंडसेट के साथ आते ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे तो आप सक्सेसफुल तो बन जाते बट शॉर्ट टर्म के लिए बन जाते, एंड आपको शॉर्ट टर्म में सक्सेसफुल नहीं बनना था इसलिए आपने पहले लर्निंग पे फोकस किया. लर्निंग पे फोकस करने के बाद आपने सोशल मीडिया पे कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर दिया ताकि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो, एंड मैं देखता हूँ कि आप लाइव सेशन भी बीच बीच में करते हो ताकि लोग ऑडियंस आ सके एंड वो आपके साथ इंटरेक्ट कर सके, राइट? तो ये बहुत जरूरी होता है पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना. पर एक और चीज होती है कि जो सोशल मीडिया कॉन्टेंट क्रिएटर्स होते हैं उनका हमेशा ये होता है कि उनको है ना लाइक जैसे आप इस पॉइंट को रिलेट कर पाओगे
फैमिली के साथ साथ हमें अपना कंटेंट मैनेज करना है, सोशल मीडिया मैनेज करना है, टाइम मैनेज कैसे कर पाते हो? आपका डेली रूटीन क्या होता है, लाइक सुबह से लेकर शाम तक? अक्षय क्या होता है ना, आपको तो पता है एज ए हाउसवाइफ को हम लोग का घर का थोड़ा काम रहता ही है. मतलब अगर हम लोग के पास मेड है तो भी बहुत स्पेसिफिक हम लोग को काम करना पड़ता है, मतलब पूरा डेली रूटीन हैंडल करना पड़ता है. एंड इवन आई एम गोइंग टू योगा क्लास ऑल्सो अक्षय. तो मतलब मुझे क्या ना अच्छा लगता है, मतलब हम लोग अगर मॉर्निंग में ही अगर योगा करते हैं ना तो एक मोटिवेशन मिलता है, माइंड फ्रेश होता है. तो उससे क्या होता है कि हम लोग का आउटपुट डबल आता है, हम लोग फोकस कर पाते हैं कि हम लोग को डेली रूटीन में क्या करना है. वो ना एक एजेंडा होता है, तो वो ना मेरा एक शेड्यूल है, तो मैं वो पर्टिकुलर शेड्यूल फॉलो करती हूँ. और फिर उससे क्या होता है कि बैलेंस होता है, मतलब कुछ भी क्लैश नहीं होता है, पर्सनल भी प्रॉपर रहता है और प्रोफेशनल भी. वाओ, लाइक बहुत बहुत सही आंसर दिया आपने. एंड मुझे ऐसा लगता है जितने भी हाउसवाइफ्स हैं जो ये वीडियो देख रही है उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन हो स्वाति जी, बिकॉज ये सारी चीजें मैनेज करना इतनी चैलेंजिंग है बट फिर भी आप इतने अच्छे वे में कर पा रहे हो. लाइक हाउसवाइफ्स जो होती है उनको पूरा का पूरा उनका फोकस फैमिली पे होता है कि फैमिली को सुबह उठ के नाश्ता बनाना है, देन दोपहर की तैयारी करनी है, देन शाम की तैयारी करनी है, फिर अगर कोई बेटा है उनका तो बेटे को स्कूल की तैयारी करनी है, उनको टिफिन देना है. बट इन सारी चीजों में भी अगर आप वक्त निकाल पा रहे हो स्वाति, इट्स रियली अ गुड थिंग. तो स्वाति कैसा होता है कि लाइक जो नॉर्मली हाउसवाइफ्स होती है उनको टाइम ज्यादा नहीं मिल पाता ये सारी चीजें करने का, सोशल मीडिया पे कंटेंट अपलोड करने का, तो आप अपने लिए दिन भर में से कितना टाइम डेडिकेट करते हो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट करने के लिए? 1 घंटा 2 घंटा? एंड उस 1-2 घंटे में आप क्या करते हो वो आप थोड़ा शेयर कर सकते हो स्वाति? फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसे कोई फिक्स नहीं रहता एक्चुअली. मैं क्या करती हूँ ना, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब आफ्टर लंच या बिफोर लंच, मतलब जैसे मुझे टाइम मिलता है ना, 50 मिनट्स का गैप, आधा घंटे का, वो जो टाइम मिलता है उसमें मैं ना शेड्यूल करती हूँ. मतलब सपोज मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे पोस्ट बनाना है, मुझे रील इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है, लोगों को व्हाट्सएप पे रिप्लाई देना है, तो ना ऐसे मतलब जैसे ही टाइम मिलता है ना वैसे मैं मैनेज कर लेती हूँ. मतलब ऐसे फिक्स टाइम नहीं रहता है. आपको तो पता है कभी फैमिली फंक्शन पे जाओ, कभी फ्रेंड गेट टुगेदर, तो ना मतलब ये ऐसे फिक्स नहीं रहता एक्चुअली. जैसे ही हम लोग मतलब जैसे मुझे टाइम मिलता है ना वो मैं मैनेज करती हूँ. बहुत अच्छी बात है. एंड वो फ्री टाइम निकालना भी बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज बहुत सारे लोगों का ये एक्सक्यूज होता है स्वाति की, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है मैम, हम नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, तो ऐसे ना बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं. एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो एक्सक्यूजेस है जो आप खुद को देते हो वो कहीं ना कहीं एक गलती है जो तुम्हारी ग्रोथ स्टॉप करती है. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपसे स्वाति, वॉट आर द मिस्टेक्स विच यू नीड टू अवॉइड वाइल स्टार्टिंग योर ऑनलाइन जर्नी? ऐसे कोई भी 3 मिस्टेक आप बता सकते हो जो आपको अवॉइड करने चाहिए? सबसे फर्स्ट अक्षय मैं ये बताना चाहती हूँ कि लोग है ना मतलब मनी माइंड से आते हैं, तो उनको है ना क्विक रिजल्ट चाहिए होता है, तो फर्स्ट स्टेप उनका वही गलती होती है कि वो लोग ट्रेनिंग नहीं देखते. मतलब ये मेरे जो टीम मेंबर्स है वो भी सेम मिस्टेक्स करते हैं. मतलब मैंने जो किया ना, तो मैं टीम्स को हमेशा बोलती रहती हूँ कि आप ना मनी माइंड से मत आओ, आप फर्स्ट फोकस करो कि आपको लर्न क्या करना है, आपके स्किल्स क्या डेवलप करना है. अगर आप बिना लर्निंग के अर्निंग पे फोकस करोगे तो आप ज्यादा आगे नहीं जाओगे. तो फर्स्ट मिस्टेक उनका यही रहता है कि उन लोग में कंसिस्टेंसी नहीं रहती, उन लोग फोकस नहीं करते लर्निंग पे और वो सिर्फ अर्निंग के पीछे दौड़ते हैं, तो वो रहता है. सेकेंड थिंग मैं बताना चाहती हूँ कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये जो हम लोग काम करते हैं डिजिटल मार्केट, यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल अप टू डेट रहना चाहिए. वहाँ जब कोई भी लोग आते हैं तो उनको एक मिथ होता है कि ये ऑनलाइन सब फ्रॉड होता है, ओके तो वो फ्रॉड नहीं लगना चाहिए. इसलिए क्या करना चाहिए, हम लोग को अपना खुद का प्रोफाइल अच्छा रहना चाहिए. तो लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल नहीं बनाते, एक बोलते हैं ना ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होना चाहिए, तो प्रोफाइल ऐसे बनाना चाहिए. तो लोग क्या करते हैं, बिना प्रोफाइल बनाए अर्निंग के पीछे भागते हैं, तो वो मिस्टेक होती है. और थर्ड मेन ये रहता है कंसिस्टेंसी. अक्षय आपने देखा रहेगा, मतलब हर्डल्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन आपको ना कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी चाहिए. अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे ना तो ही आपको रिजल्ट मिलता है और आपको आउटपुट मिलता है. ये मेन पॉइंट्स है अक्षय. एब्सोल्युटली. एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 3 मिस्टेक लोग अवॉइड कर देंगे उनकी जो ऑनलाइन जर्नी है वो अलग लेवल पे चली जाएगी. एंड मोस्टली यही लोग गलतियां करते हैं कि कंसिस्टेंट नहीं होते, मनी माइंडसेट के साथ आते हैं, ट्रेनिंग नहीं देखते, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता यह है कि वो बाद में हमसे बोलते हैं कि हमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहे, लाइक वो पूरा ब्लेम हम पे आ जाता है. बट उन्हें
खुद के एक्शन की, खुद के ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, राइट स्वाति? तो यही था, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम स्वाति, कि आप यहाँ आए, अपने अपना वैल्यूएबल कीमती समय निकाल कर जो है अपनी जर्नी शेयर की, आपने अपने चैलेंजेस बताए, अपने अपनी जर्नी के बारे में बताया। अभी एक अगर लास्ट क्वेश्चन, अगर आप कंफर्टेबल हो शेयर करने के लिए, अभी तक डिजिटल मार्केटिंग से आपने कितनी अर्निंग कर ली है, अगर आप लोगों को बताना चाहो, ताकि लोग इंस्पायर हो एंड वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर सके। अक्षय, फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑलमोस्ट 3 lakhs, ऑलमोस्ट 3 lakhs, एंड वो भी इट्स लाइक लेस देन अ ईयर, राइट? आपने पिछले साल ही स्टार्ट किया। यस यस, जितने भी लोग हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, एक साल में 3 lakh, वो भी ऑनलाइन कमाना, इजी चैलेंज, इजी बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत चैलेंजेस आते हैं, वो भी घर बैठे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लाइक जब नॉर्मल इंसान ग्रेजुएट होके भी उसको जो फर्स्ट जॉब मिलती है उसकी 12,000 या 15,000 होती है, बट यहाँ पर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज अभी इतनी सारी है आपके पास कि आप डेफिनेटली जो है अर्न कर सकते हो ऑनलाइन, अगर आपको एक राइट प्लेटफॉर्म मिल गया, अगर आपको एक राइट मेंटर मिल गया तो। एंड स्वाति जी, अगर लोगों को आपसे सीखना होगा, अगर लोगों को आपके साथ कनेक्ट करना होगा, तो वो कहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं? अक्षय, मेरा इंस्टा का आईडी है स्वाति डबल आई चूरी, तो अगर लोग वहां पे फॉलो करेंगे और उनको नंबर भी वहां पे मिलेगा अक्षय। ओके, सो मैं क्या कर दूंगा, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो स्वाति जी के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की जो है शुरुआत करना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा स्वाति जी की, आप इंस्टाग्राम पे उन्हें मैसेज कर सकते हैं एंड आप अपनी जर्नी स्वाति जी के साथ शेयर मतलब स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन की। तो स्वाति जी, अगर कोई एक लास्ट मैसेज देना हो हमारे व्यूवर्स को, कोई भी एक लास्ट मैसेज, तो वो क्या मैसेज होगा? अक्षय देखो, मैं स्पेशली हाउसवाइफ जो है, लेडीज है कि जो अपना करियर छोड़ देते हैं या सिर्फ घर पे रहते हैं और फिर अपना स्किल्स पे फोकस नहीं करके ऐसे वेस्ट ऑफ उनका जाता है, स्किल्स वेस्ट होता है या वो कुछ कर नहीं पाते, तो मेरा मेन मोटिव यही रहेगा, जो भी हाउसवाइफ्स है या घर पे जो लेडीज है, तो पर्सनल लाइफ तो है लेकिन आप अपना खुद का पर्सनल ब्रांडिंग भी क्रिएट करो, खुद को इंडिपेंडेंट बनाओ। मतलब क्या होता है ना अक्षय, जब वुमन इंडिपेंडेंट होती है ना, तो एक अलग ही मजा होता है। ओके, एज ए हाउसवाइफ मैं आई एम शेयरिंग माय फीलिंग्स। ओके, तो अलग मतलब खुद के लिए कुछ लो, ओके, कुछ भी शॉपिंग करो, मन किया शॉपिंग करो या फैमिली को सपोर्ट करो, ओके, तो वो ना फीलिंग अलग ही रहता है अक्षय। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप में टैलेंट है तो आप उसको वेस्ट मत कीजिए। मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था अक्षय, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे इंस्टाग्राम का अकाउंट भी पता नहीं था, मतलब सच में, मतलब इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ये मुझे पता भी नहीं था, लेकिन मैंने अभी, आज आप देख सकते हो मेरा प्रोफाइल, देख सकते हो मेरा अकाउंट, देख सकते हो, तो मैंने भी खुद को डेवलप किया। ओके, तो एक ना बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आती है तो वो आप अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत कीजिए, उसको ग्रैब कीजिए और ये जर्नी आगे लेके जाइए, ऐसे मैं बोलूंगी। वाओ, व्हाट अ लवली मैसेज स्वाति जी, एंड आई नो कि जितने भी लोग, जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे जो है पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो ये वाला मैसेज सुनकर डेफिनेटली अपनी जर्नी जो है जरूर स्टार्ट करेंगे। एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम स्वाति, कि आपने अपनी जर्नी के बारे में यहाँ पर शेयर किया, आपने सारी चीज़ें, स्ट्रेटेजीज भी रिवील की एंड आपने लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दी। तो जितने भी लोगों को ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी के अभी जाओ स्वाति जी को मैसेज करो एंड अपनी डिजिटल क्रिएशन की जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड स्वाति, I wish you all the very best for all your future projects. आपने एक साल में 3 lakh कमाए हैं, आप ऐसे ही 5 lakh 6 lakh ऐसे ही कमाते रहो एंड हम आपको ऐसे ही मिलाते रहेंगे। Definitely, Akshay. और thanks for this invitation, Akshay. Most welcome, Swati. Bye, Swati. Okay, thank you, Akshay. Bye.